चुनावी मौसम में योगी पर चल रही साढ़े साती। बीजेपी नेता ही योगी राज पर उठा रहे हैं सवाल। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने खोली कानून व्यवस्था की पोल। आदर्श पुलिस की उड़ा दी बेबी रानी मौर्य ने धज्जियां। महिलाओं को दी ऐसी सलाह कि सरकार ने पीटा माथा। एक के बाद एक ही नेता खोल रहे बीजेपी की पोल। किसानों की बदहाली और सरकारी दावे की निकाल दी हवा। देखिए बेबी रानी मौर्य ने आखिर ऐसा क्या कहा जो हुआ बवाल। बेबी रानी मौर्य के बयान पर विपक्ष ने कैसे सरकार को घेरा। बेबी रानी मौर्य के बयान का वीडियो देख क्या बोले बीजेपी नेता। चुनावी मौसम में पार्टियों के नेता अक्सर अपने दल की बढ़त के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन पहली दफा देखने को मिल रहा है कि प्रदेश की योगी सरकार के सामने उन्हीं की पार्टी के नेता ग्रहण बनते जा रहे हैं। नेताओं की जुबान खुलती है और योगी राज के हर दावे की पोल खुल जाती है। पहले सत्यपाल मलिक तो अब बेबी रानी मौर्य ने प्रदेश में बीजेपी के शासन की ऐसी पोल खोली कि कानून से लेकर कानून के रखवाले भी सवालों के घेरे में आ गए और खुद सरकार के माथहत और पक्षकार अब माथा पीट रहे हैं कि आखिर एक के बाद एक आते ऐसे बयानों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए कि सरकार की बेहतर छवि के ढकोसले को बरकरार रखा जाए। पहले सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल हैं और बेबी रानी मौर्य जो पूर्व राज्यपाल हैं, दोनों ने ही जो बयान दिए हैं वो बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। न निगलते बन रहा है और न उगलते बन रहा है। दरअसल बीजेपी की उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने महिला सुरक्षा का जनाजा निकालते हुए योगी सरकार के हर दावे को नंगा कर दिया और उन्होंने जो कहा वो सनसनी का सबब बन गया। आप सोच रहे होंगे कि बेबी रानी मौर्य ने क्या कहा, तो आप खुद भी सुन लीजिए। नाम से एक महिला अधिकारी एक सब इंस्पेक्टर वहां बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना, फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। लेकिन महिलाओं के लिए ये काम हुआ है, आप लोगों को इस। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने यूपी में अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। महिलाओं को लेकर पुलिस थाने में सुरक्षा को लेकर बेबी रानी मौर्य ने विवादित बयान दिया। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने वाराणसी में आयोजित वाल्मीकि महोत्सव के कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि थानों में एक महिला अधिकारी और सब इंस्पेक्टर जरूर बैठती हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि शाम 5 बजे अंधेरा होने के बाद थाने कभी मत जाना। इसके अलावा किसानों के हालात पर बोलते हुए बेबी रानी मौर्य ने केंद्र सरकार के दावे की पोल खोल दी और कहा कि यूपी में किसानों को अधिकारी सभी को गुमराह करते रहते हैं। मुझे परसों आगरा से एक किसान भाई का फोन आया, उसे खाद नहीं मिल रही थी। मेरे कहने पर अधिकारी ने कहा कि खाद मिल जाएगी, लेकिन आज उस अधिकारी ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। बेबी रानी मौर्य के बयान का वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी और सीएम योगी में जरा भी गैरत बची हो तो अब इस्तीफा ही दे दें, क्योंकि उन्हीं के नेता उनके झूठ की पोल खोल रहे हैं और बीजेपी के आलाकमान फिर भी बेशर्मी से झूठे दावों के सहारे अपना काम चला रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक और अमानवीय है। बेबी रानी मौर्य के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने मामले पर मौन साध लिया है, लेकिन दबी जुबान में बीजेपी नेता इसकी मुखालफत कर रहे हैं और ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।